और अब आज की अच्छी खबर, कोरोना वायरस को मारने वाला मास्क जल्द आ रहा है। पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरह का मास्क तैयार भी कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि ये मास्क कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है। 3D प्रिंटिंग और दवाओं के मिश्रण से बना ये मास्क अगले हफ्ते तक बाजार में मौजूद भी होगा। ये मास्क बेहद खास है। अब तक आप जिस मास्क को लगाते रहे हैं वो वायरस को शरीर के अंदर घुसने से रोकते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस मास्क से टकराते ही कोरोना वायरस मर जाएगा। पुणे की थिंकर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक दवा कंपनी के साथ मिलकर 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने दवाओं की कोटिंग वाले इस मास्क को बनाया है। दावा है कि परीक्षण में ये कोटिंग वायरस के खात्मे में कारगर पाई गई है। इस मास्क पर दवा की जो कोटिंग की गई है वो कोरोना वायरस की बाहरी झिल्ली को खत्म कर देती है। तो ये मास्क में ये कैपेसिटी है कि वायरस को इनएक्टिवेट कर दे। एक ऐसी लेयर ऐड की है कि जिसके ऊपर एक फॉर्मुलेशन कोट किया है, जो वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद उस वायरस का जो बाहरी एनवलप होता है उस एनवलप को ब्रेक कर देगा। कंपनी का दावा है कि ये मास्क वायरस के खिलाफ 95% से ज्यादा कारगर है। कंपनी का कहना है कि अगले हफ्ते से ये मास्क 80 रुपए की कीमत पर बाजार में उपलब्ध होगी। कोरोना से निपटने के लिए चल रहे अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को फंडिंग की जा रही है। इस कंपनी के मास्क को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चुनी गई कुछ परियोजनाओं में शामिल किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।